गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और देख लो, समय अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, जाने को मैं बिल्कुल तैयार। गाइस कहाँ जा रहा हूँ सो नहीं, अभी बताऊंगा। आप लोग पहले देखो, देख लो बिल्कुल न फिट है। चलते हैं और आपको दिखाऊंगा, अभी पहुँच कर भी दिखाऊंगा, प्लस रास्ते में भी देखना किस करना आप लोग। ये है जी पटना का हनुमान मंदिर। ये देख लो गाइस, अयोध्या का राम मंदिर जो है उसी का मॉडल है ये। कैसे देख रहे हो, इतना सारा है। अयोध्या में जो राम मंदिर बनने वाला है उसी का है ये। मंदिर के सबसे टॉप पे हैं गाइस, ये देख लो टॉप से व्यू कैसा होता है सो देख लो। चढ़ने में हालत खराब हो गया यार। ये देख लो नीचे पार्किंग में बाइक कितना सारा लगा है। और ये है हमारा आपका और सबसे प्यारा तिरंगा हमारा पटना जंक्शन। एक लाइक कर देना गाइस।
जय श्री राम। ये महावीर मंदिर के सबसे ऊपर का है, एग्जिट है गाइस, देख लो शीशा है लगा हुआ जिस कारण से शायद शाइनिंग आ रहा हो, देख लो शायद राम लक्ष्मण और सीता जी हैं। ये रही सरस्वती माँ, शनि देव का, ये रहा एग्जिट बगल से हनुमान मंदिर का। महावीर मंदिर में हर दिन सुबह 7 बजे उठकर आया हूँ गाइस, आज भैया का है बर्थ डे, तो यहीं पे पहुँच गए हैं महावीर मंदिर के पास ही, और यहीं पे प्रसाद वगैरह चढ़ा कर फिर चलते हैं वापस। और आप लोगों को मैं दिखा दिया हूँ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर और सबसे ऊपर से टॉप व्यू भी दिखा दिया हूँ, तो कृपया एक लाइक करना यार मेहनत के लिए। ये देखो सामने में है संत रविदास, पूजा वूजा तो हो गया है गाइस अच्छे से, अब मैं बारी चाय का, और ये देख लो चाय पी रहा हूँ। महावीर मंदिर के बगल में ही देख लो यहाँ फूलों का अंबार लगा हुआ है, तरह तरह का फूल बिक रहा है, गुलदस्ता बिक रहा है। चाय वाय पी लिया है गाइस, जब सीधा आप लोगों को घर पे मिलता हूँ। पहुंच गए हैं गाइस हवेली पे, महावीर मंदिर पटना का सबसे फेमस प्रसाद, दर्शन हो गया बजरंगबली का अच्छे से, पहुँच तो गए हैं गाइस। पर ये हेलमेट जल्दी से अब मैं निकालता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तेज़ गर्मी लग रहा है, प्लस ऊपर से टोपी पहन रखा है, तो वो टोपी में जो ऊपर में दिया हुआ रहता है बटन टाइप का, वो सर में चुभ रहा है और इतना ज़्यादा चुभ रहा लग रहा है जैसे कोई छेद कर रहा है यार। ये देखो ये मेटल का दिया हुआ है, यही चुभ रहा था यार, हेलमेट लगाने के बाद ये इससे चुभता है। कोई नहीं, भगवान की दर्शन बजरंगबली का हो गया है अच्छे से। गाइस तो खाना तो अभी बना नहीं है, पर मैंने बाहर से ही लिट्टी ले आया था, ये देखो दे देते हैं उसे, खाकर अपना काम पे चला जाएगा। तो 2 बज गए हैं गाइस, जब मुझे भूख भी लग रहा है, चलो पहले खाते हैं, खाने में क्या है सो आप लोगों को दिखाता हूँ। खाने में है गाइस चावल, ये रहा दाल है इसमें, और इसमें है परवल का भुजिया, तो खा लेता हूँ, खाने के बाद आप लोगों से फिर मिलता हूँ। मंदिर जाने का रीजन तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया था गाइज, क्योंकि आज भैया का बर्थडे है, तो आज आप लोग भी कमेंट में भर दो यार हैप्पी बर्थडे से, विश कर देना भैया को भी। और अभी तो शाम हो गया है, करीब 5 बजने वाला है, और आज मम्मी पापा भी आने वाले हैं, पर अभी तक बोले तो थे कि शाम में आ जाएंगे, पर अभी तक तो नहीं पहुँचे हैं, अगर पहुँचेंगे तो आप लोगों को भी दिखाऊँगा आती हैं आज की नहीं आती हैं मम्मी। सो गाइज दूध लाने जाना है और खीर के लिए, और पनीर 2 पैकेट लेकर आता हूँ, वो बर्थडे है ना इसलिए आज बनेगा, देख लो धुंधु तैयार है, दूध पनीर आ गया है गाइस, ये देख लो बस बनाने वाला अभी नहीं है, दूध के बाद देख लो गाइस क्या काम है, सो देख लो बर्तन का अंबार लगा है, अभी से साफ सफाई करना है, साफ सफाई करने के बाद फिर मिलते हैं। 9:30 बजे मम्मी आ गई थी गाइस, और ये देख लो मम्मी आते ही क्या कर रही है, सो
अपना काम में लग गई हैं। ये पूरी के लिए आटा तैयार हो रहा है, इधर खीर है बन रहा है, और ये पनीर तैयार हो गया है। देखो, मिलते हैं आप लोगों से सीधे खाने पे। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि केक कहीं नहीं दिखा होगा, वो रीज़न ये है कि हमारे यहाँ केक कटता नहीं है। इन फ्यूचर कट सकता है, बट फिलहाल अभी नहीं कटता है। हम लोग बचपन से कभी काटे ही नहीं है, और अब काटने का मन भी नहीं करता और अच्छा भी नहीं लगता है, जिस कारण से हम लोग केक नहीं काटते हैं यार। बर्थडे में या कोई भी सेलिब्रेशन हो, केक नहीं काटते हैं। ऐसे अगर खाने का मन हुआ तो मंगा लिए, खा लिए कभी, पर ये सब में केक वेक नहीं कटता हमारे यहाँ। इन फ्यूचर कुछ हो सकता है, बाद में आगे चल के जनरेशन वाले लोग तो करेंगे ही, बच्चे लोग जो होंगे सो वो लोग तो जिद करेंगे, तब तो लाना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा, पर फिलहाल के लिए अभी ऐसा नहीं है सिस्टम। तो गाइस, रात के ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है, खाना पीना तो हो गया है, और कुछ तो खास था नहीं इस ब्लॉग में, बस एक ही था, भैया का बर्थडे था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया कमेंट में हैप्पी बिलेटेड बर्थडे लिख देना यार, क्योंकि ये ब्लॉग तो कल ही आएगा, तो उसका बर्थडे तो आज है, पर कोई नहीं, आप कमेंट में लिख देना एक बार। आई होप आप लोगों को वीडियोज पसंद आया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।